हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम मानसिंह राठौर है। आज से दोस्तों हम शेयर मार्केट को बिल्कुल ए से सीखने वाले हैं और सीखते हुए जेड तक जाएंगे। तो अगर आप एक बिगनर हैं, आप शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद और भी काफ़ी सारे आपको वीडियो देखने के लिए मिलेंगे, तो उन पर चैप्टर वाइज आपको नाम भी मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को कभी बाद में देख रहे हैं, 2-3 महीने बाद या फिर 1 साल बाद, तो हमारे चैनल पर आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी। और शुरुआत में ही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आज ही हम फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे मुझे, जैसे कि अच्छा कमेंट करेंगे या फिर हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट क्या है। ये बिगनर के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या है शेयर मार्केट, मतलब कि बिल्कुल शुरू से है। अब इससे ही शुरू कुछ हो नहीं सकता, ये बिल्कुल एकदम धरातल से शुरू हो रहा है। और अगर आप शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो हो सकता है कि ये चीज़ें आपको पहले से ही पता हो, लेकिन फिर भी अगर आप एक बिगनर हैं, आप शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो ये एक स्टेप है। तो मैं इस स्टेप को फॉलो करते हुए चल रहा हूँ। तो अगर किसी को नहीं आता है तो वो इस वीडियो को एंड तक देख सकता है कि शेयर मार्केट क्या है और इससे हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा कि दोस्तों शेयर मार्केट, जैसे कि यहाँ पर मैं वाइट पेन यूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टॉक और ये शेयर, तो ये शब्द अलग अलग हैं लेकिन इनका मीनिंग एक ही है। और अगर हम इसे हिंदी में देखें तो हिंदी में इसको हिस्सा कहते हैं। तो हम ऐसे तो नहीं कहेंगे हिस्सा मार्केट, हम कहेंगे कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कंपनी अपने शेयर को बेचती हैं। शेयर मार्केट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप इसको समझो, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ जाओगे कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कंपनियाँ अपने शेयर को बेचती हैं। बेचने वाला कौन है? कंपनी। और पब्लिक इन कंपनियों के शेयरों को खरीदती है। जो व्यक्ति जिस कंपनी के जितने शेयर खरीदता है उतना उसका कंपनी में हिस्सा, या फिर वो बोले कि उतने का ही वो है उस कंपनी में मालिक हो जाता है। तो ऐसे करके आपने एक अप स्टॉक का एड भी देखा होगा। देखना तेरा भाई कंपनी का सीईओ बन के दिखाएगा। कंपनी इसके सीईओ तेरे भाई के लिए काम करते हैं। तो इसे ही इन्वेस्टिंग कहा जाता है। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना है तो इसका मतलब ये कि आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदने पड़ेंगे। और जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो इसका मतलब ये कि आपने उस कंपनी में पैसा लगाया, मतलब कि आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जब उस कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, और जब उस कंपनी की वैल्यू घटेगी तब आपके शेयर का प्राइस भी कम होगा, जिससे इन्वेस्टर को यहाँ पर लॉस या फिर प्रॉफिट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, मान लीजिए कि उस कंपनी की वैल्यू 50 करोड़ है। अब उसकी वैल्यू 55 करोड़ हो जाती है, तो आपने उसमें 1 लाख लगाए हैं तो उस हिसाब से आपका 1 लाख बढ़ जाएगा। और मान लीजिए कि 50 लाख कंपनी की वैल्यू थी, अब उसकी 45 लाख हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी आपने उसमें लगाया हुआ है तो उतना कम होगा, मतलब कि परसेंटेज के हिसाब से फिर आपको अंतर देखने के लिए मिल जाएगा, लॉस या फिर प्रॉफिट। इस तरीके से आपको शेयर मार्केट में होता है। अब हम इसको और आगे देखते हैं। तो शेयर का प्राइस निम्नलिखित कारणों से घटता है या फिर बढ़ता है, वो कारण क्या है हम जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो इसके कारण बहुत होते हैं, लेकिन दोस्तों एक सिंपल सा मार्केट में फॉर्मूला लगता है, या फिर यूँ बोलें कि एक सिंपल सा लॉजिक है मार्केट का, कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का काम है, ठीक है। या फिर हम यूँ बोलें कि शेयर मार्केट का शेयर बढ़ेगा या फिर घटेगा तो ये डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम सब्जी मंडी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सब्जी मार्केट में अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, आप दीपावली के बाद देखेंगे और होली से पहले, तो धनिया आपको फ्री में मिलता है, सब्जी के साथ यूं ही डाल देती हैं। अगर आप पैसे से भी लो ना तो 10 रुपये का आपको इतना सारा मिल जाएगा। आप ये बोलो कि यार मैंने धनिया लेके बहुत तो गलती कर दी, अब इसका मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग गाय को खवा देते हैं। तो उस टाइम पर होता क्या है कि जिस व्यक्ति ने अपने खेत में धनिया किया हुआ है वो ये सोचता है कि यार हमारे खेत में तो धनिया बहुत ज़्यादा हो गया, अब हम इसका क्या करें, खेत में सड़ रहा है, ऐसा करो इसको बेचो, तो जितना पैसा आएगा प्रॉफिट ही है। तो वो क्या करता है, धनिया को बेचने की कोशिश करता है। वो बेचता है कि इसको बेचो, यहाँ से 5 रुपये किलो में भी बेचो, लेकिन खेत को खाली करो, हमें दूसरी फसल करनी है। तो
तो कहने का मतलब ये कि जब धनिया की सप्लाई ज़्यादा है और मार्केट में डिमांड कम है, क्योंकि सभी काफ़ी सारे लोगों ने धनिया किया हुआ है, ठीक है, तो धनिया के खेत वाले के पास सप्लाई है लेकिन ग्राहक उतने नहीं है, ठीक है, तो 5 रुपये किलो में सेल हो रहा है। लेकिन वही धनिया जब आप गर्मियों में सब्जी वाले से मांगो ना कि हमें धनिया दे देना, तो वो धनिया देगा नहीं, वो ये बोलेगा कि बताओ कितने रुपए का दे दूँ, और सर्दियों में वो ऐसे ही डाल देता है, बिना कहे डाल देता है, और फिर गर्मियों में वो पैसे से देता है, और 50 रुपये का आपको इतना देगा कि गुस्सा आएगा कि यार 50 रुपये का बस इतना धनिया दिया है, ठीक है, तो ये चीज़ है। 5 रुपये का तो देता भी नहीं है गर्मियों में, तो इसका मतलब ये कि गर्मियों में धनिया की पैदावार कम होती है, तो कहीं ना कहीं सप्लाई कम है और डिमांड उसकी ज़्यादा रहती है, यानी कि गर्मियों में धनिया खाने में भी अच्छा लगता है लेकिन उसकी पैदावार नहीं होती है। इस तरीके से आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में न्यूज़ में आपने सुना होगा ना कि महाराष्ट्र में प्याज हुई, महाराष्ट्र की प्याज अभी देश में चल रही है, महाराष्ट्र में प्याज बहुत ज़्यादा होती है, तो जब महाराष्ट्र की प्याज आती है ना, महाराष्ट्र में ज़्यादा प्याज किसान कर लेती है, तो 2 रुपये किलो प्याज बिकती है या फिर स्टेशन पर यूं ही फेंकी जाती है, तो ये सप्लाई उसकी ज़्यादा हो रही है और डिमांड मार्केट में कम है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से अब देखो डिमांड एंड सप्लाई से शेयर का प्राइस भी घटता है या फिर बढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एक रीज़न ए भी है, जैसे कि कंपनी में प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, जब कंपनी के प्रोडक्ट सेल होंगे तभी तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो जब कंपनी के प्रोडक्ट सेल होंगे तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो जिससे कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, तो जब कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो उसमें आपका भी एक शेयर है तो शेयर का प्राइस भी बढ़ जाएगा, जिससे इन्वेस्टर को प्रॉफिट होगा। जब कंपनी में प्रोडक्शन घट जाता है, मान लीजिए कंपनी का प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा तो कंपनी क्या करेगी, उसको बनाना कम करेगी, ठीक है, तो जिससे क्या है कंपनी को लॉस होता है, क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉय वगैरह काम कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी के काफ़ी सारे खर्चे हैं वो तो रेगुलर चलती रहती है, जो इससे कंपनी को लॉस होता है या फिर कंपनी की वैल्यूएशन घटती है जिससे शेयर का प्राइस भी घटता है, इससे इन्वेस्टर को लॉस होता है। अब आप समझ गए ना कि आपको लॉस किस वजह से हो सकता है। अभी कुछ और भी वजह है, और एक वजह दोस्तों ये भी हो सकती है कि जब जैसे कि कंपनी कोई शेयर मार्केट में लिस्ट है, ठीक है, ये फॉर्मूला तब लगेगा, वैसे मैं लिस्ट है उसी के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये तो किसी दूसरी कंपनी पर भी लागू हो सकता है, लेकिन ये जो है तो वो शेयर मार्केट में जो कंपनी लिस्ट है उस पर लगेगा, जब कंपनी के बारे में बाज़ार में कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, जैसे कि कंपनी को मान लो कि कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है और कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है और कंपनी क्या शेयर मार्केट में लिस्ट है, तो लोग क्या करेंगे कि उस कंपनी के शेयर खरीदने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और जो लोग उस कंपनी में हैं उन्होंने भी वो न्यूज़ पढ़ी, उन्होंने बोला कि अच्छा इस कंपनी के बारे में ये न्यूज आई है तो इसमें तो हमारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है बढ़ेगा, या फिर किसी का पहले से इन्वेस्टमेंट है वो उसमें और इन्वेस्ट करने की सोचता है और नए लोगों ने पढ़ा तो वो भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो डिमांड तो ज़्यादा हो गई और जो लोग इसमें पहले से इन्वेस्ट किए हुए हैं वो भी सेल नहीं कर रहे, तो सप्लाई है नहीं और डिमांड ही डिमांड है, तो इससे क्या है कंपनी की मतलब कि जब मार्केट में न्यूज आती है ना तो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं और हाई डिमांड हो जाती है और सप्लाई है नहीं, जिससे प्राइस बढ़ जाता है। अब इसी का एक उल्टा है, मान लीजिए कि निगेटिव न्यूज आई तो क्या करेंगे, जो लोग इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं वो भी इसमें से निकलने की कोशिश करेंगे और नए लोग इन्वेस्ट करेंगे नहीं, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले आपने अडानी कंपनी के बारे में सुना हो, ठीक है, तो उसके बारे में निगेटिव न्यूज आई थी तो उसका शेयर काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, तो इसका मतलब यही है कि उस कंपनी में नए लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे और जितने भी लोग थे वो भी उस कंपनी से निकल रहे थे, तो यहाँ पर क्या है इसकी सप्लाई ज़्यादा हो गई, ठीक है, देखो यहाँ पर हाई सप्लाई लिखा हुआ है, यहाँ पर हाई डिमांड लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर प्राइस क्या है घट जाता है। अब हम आगे जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी अपने शेयर को क्यों बेचती है। मान लीजिए जब किसी कंपनी मान लीजिए कि जब किसी व्यक्ति ने कंपनी स्टार्ट की, कंपनी सक्सेसफुल हो गई, कंपनी चल भी रही है, अच्छी चल रही है, कंपनी का ओनर अब तक क्या कर रहा था कि वो कंपनी से प्रॉफिट कर रहा था, कंपनी में लगा रहा था, कंपनी को ग्रोथ कर रहा था, लेकिन अब ओनर सोच रहा है कि यार ऐसे तो कंपनी को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी को मान लो कि बड़ा करना है, ठीक है, ऐसा ओनर सोच रहा है कि हमें कंपनी बड़ी करनी है, तो बड़ी करने के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, मैन पावर भी बढ़ानी पड़ेगी, अभी मान लो कि वो किसी एक शहर में चल रही है जहाँ से वो ऑल इंडिया या फिर वर्ल्ड में भी मान लो कि वो अपना जो भी उसका माल है वो सप्लाई करना चाहता है, ठीक है, तो इसके लिए उसको अलग अलग जगह पर ब्रांचेज और फैक्ट्री ओपन करनी पड़ेगी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे रीज़न रहते हैं कंपनी को बड़ा करने के लिए, जिसके लिए फंड की ज़रूरत पड़ती है,
तो यह बैंक या फिर किसी अन्य जगह पर जाता है तो वहाँ पर इसको क्या है ब्याज देना पड़ेगा। तो ये ओनर सोचता है कि कंपनी से हम पैसा कमाएंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, वो ब्याज में जाएगा। ठीक है, तो कंपनी या फिर काफ़ी सारी कंपनियों को ब्याज मिलता नहीं है, या फिर उन्होंने ऑलरेडी ले रखा है लेकिन फिर भी उनके पास फंड की कमी है, उनको और फंड चाहिए। तो इसीलिए एक रास्ता ये भी है कि कंपनी का ओनर शेयर मार्केट से पैसा एकत्रित करने के लिए सोचता है। वो सोचता है कि हम अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कर देते हैं, हमारे पास और पैसा आएगा। ठीक है, कंपनी को मार्केट में लिस्ट करवाना होता है। जब अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा चाहिए ना, तो पहले शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट करनी होगी ताकि लोग इसमें इन्वेस्ट करें। तो लिस्ट कहाँ पर होती है, तो इसमें NSE और BSE, इसका मतलब ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोस्तों एक्सचेंज है। तो कंपनी एक्सचेंज के पास लिस्ट हो जाती है और जो इन्वेस्टर हैं यानी कि मैं या फिर आप, तो हम लोग एक्सचेंज से शेयर को खरीद लेती हैं। मतलब कि हमारे और कंपनी के बीच में कौन है, एक्सचेंज। एक ब्रोकर भी होता है, इसका चर्चा अभी हम आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं जब कंपनी लिस्ट हो जाती है तब, तो इसके द्वारा फिर कंपनी को पैसा मिलता है। लेकिन लिस्ट होने का भी दोस्तों एक प्रोसेस है कि कंपनी का ओनर है, ठीक है, तो लिस्ट करने के लिए कंपनी का ओनर ये सेबी है। ठीक है, सेबी का दोस्तों ये यहाँ पर फोटो लगा है। तो सेबी एक बोर्ड है जो कि पूरे शेयर मार्केट पर नज़र रखता है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर जो नीति है या फिर जो रूल है उनको कोई तोड़ तो नहीं रहा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें या फिर नए नए जो रूल्स हैं, ठीक है, तो वो सेबी बनाता रहता है और लोग या फिर जो बाकी के कंपनी वगैरह हैं तो वो उनको फॉलो करते हैं कि किस तरीके से काम करना है। तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो यही शेयर मार्केट का मेन बोर्ड है। तो यहाँ पर कंपनी को लिस्ट करवाने के लिए ओनर सेबी को डॉक्यूमेंट देता है और सेबी द्वारा जब अप्रूव्ड कर दिया जाता है तो कंपनी NSE और BSE में लिस्ट हो जाती है। जहाँ तक कंपनी है तो वो NSE और BSE दोनों एक्सचेंज में लिस्ट होती है ताकि इन्वेस्टर दोनों जगह इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन कुछ ही कंपनी होती हैं जो सिर्फ NSE में होती हैं या फिर BSE में होती हैं, और जब आप ऑर्डर प्लेस करने के लिए जाते हैं उस टाइम पर ये लिख के भी आता है कि आप NSE से ख़रीदना चाहते हैं या फिर BSE से ख़रीदना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप अपना मतलब कि सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस एक्सचेंज से ख़रीदना है। ठीक है, अप्रूव्ड मिलने के बाद कंपनी लिस्ट हो जाती है। जब कंपनी लिस्ट होने के बाद पहली बार शेयर को पब्लिक में सेल करती है तो इसे ही IPO कहा जाता है। मतलब ये कंपनी लिस्ट हो गई, अब कंपनी को जितने फंड की ज़रूरत है तो कंपनी क्या करेगी, उतने शेयर पब्लिक में सेल करेगी। तो वो सेल क्या है उसको, मतलब कि इतने, मतलब कि उसको एक साथ सेल करना है। ठीक है, तो वो IPO के थ्रू सेल करेगी। जब IPO के थ्रू क्या है, मतलब कि लोग एक साथ खरीद लेंगे, फिर इसके बाद वो NSE और BSE के थ्रू जब भी बेचना चाहे तो बेच देंगे और बाकी के लोग खरीदना चाहें तो वो खरीद लेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम इसको IPO, IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और जब आप शेयर मार्केट में आगे इन्वेस्ट या फिर ठीक है ट्रेड करेंगे तो आप प्रमोटर के बारे में भी सुनेंगे। तो प्रमोटर बेसिकली कंपनी का ओनर ही होता है और जो इसमें इन्वेस्ट करता है वो इन्वेस्टर होता है। ठीक है, प्रमोटर कंपनी का ओनर है और हम और तुम जो भी लोग इन्वेस्ट करेंगे वो इन्वेस्टर ही में, अभी मैंने आपको पीछे बताया भी था। ठीक है, तो ओनर ज़्यादातर शेयर अपने पास रखता है, जितने फंड की ज़रूरत है उतने वह सेल कर देता है, मतलब IPO के थ्रू उतने वह बेच देता है। और अपने पास ओनर अराउंड 50% तो रखता ही है क्योंकि वह कंपनी का ओनर है। और जब कभी कंपनी के पास कर्ज ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर 50% से घटा भी देते हैं। तो ऐसी कंपनी में फिर लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो देखते हैं कि प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है या फिर प्रमोटर की कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रिसर्च करते समय दिख जाती हैं। तो प्रमोटर की अराउंड 50% या फिर इसके लमसम होती है। कुछ प्रमोटर हैं वो अपने पास 70% तक भी होल्डिंग्स रखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे आते हैं। तो कोई शेयर हम कैसे खरीद सकते हैं, जैसे कि आपको शेयर खरीदना है या फिर मुझे शेयर खरीदना है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि आप NSE और BSE के थ्रू खरीद सकते हैं क्योंकि कंपनी वहाँ पर लिस्ट हो गई है। तो आप कैसे खरीदेंगे, तो देखें किसी भी कंपनी के शेयर आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं मोबाइल से ही। लेकिन इसके लिए आपको
डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा, ठीक है। तो जब आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेंगे, ठीक है, और ये आपका मोबाइल से ही घर बैठे आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन कर सकती हैं, ठीक है। और ये डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर के पास होता है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक तो होता है सेबी, ठीक है, और फिर मैंने आपको दो एक्सचेंज बताए थे, NSE और BSE, ठीक है। और एक यहाँ पर ये मान लो कि कंपनी है, तो कंपनी क्या है, इनसे यहाँ पर लिस्ट है इन दोनों एक्सचेंज से। अब एक्सचेंज के बाद होता है ब्रोकर, ठीक है, ब्रोकर इसको दलाल बोलते हैं। और इसके बाद होता है जो पर्सन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, मान लो कि मैं हूँ, अगर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मुझे ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। अब ब्रोकर कुछ कंपनियाँ भी हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊँगा, और बैंक भी हैं, वो आपको शेयर मार्केट में ट्रेड करने की या फिर इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देती हैं, तो आप उनके पास भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो जब आप ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो साथ में आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। दोनों का प्रोसेस सेम है, तो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आपका एक ही साथ ओपन हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि मैंने ओपन क्या किया है, ठीक है, और दोनों ही आपके ओपन हो जाते हैं। लेकिन आपको प्रोसेस तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको KYC से संबंधित जानकारी भरनी होगी, जैसे कि मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए रहता है, पैन कार्ड चाहिए रहता है, और बैंक प्रूफ चाहिए रहता है, और लाइव फ़ोटो लगता है, और एक वीडियो लगता है, सिग्नेचर लगती है। और कुछ ब्रोकर कंपनियों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। तो ये कुछ पॉपुलर कंपनी है, जैसे कि जीरोधा आपका हुआ, एंजल वन हुआ, आप स्टॉक हुआ, ठीक है, इन एप्लीकेशन के आपने ऐड भी देखे होंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ब्रोकर हैं, ठीक है, तो उनमें आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये पॉपुलर हैं, सबसे ज़्यादा लोग इसमें अकाउंट ओपन करते हैं। यह कंपनी 2011 में ओपन हुई थी, ठीक है, और इसके बाद जो पर्सनली मैं यूज करता हूँ तो वो एंजल वन और धन है, ठीक है, तो इनको मैं यूज करता हूँ। और दोस्तों मैंने इनके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने इन कंपनियों के बारे में आपको बताया हुआ है, तो मेरे हिसाब से एंजल वन में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक दिया है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरह आप किसी भी स्टॉक को या फिर शेयर को खरीदकर अपने पास रख सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर एक कंपनी है और लोगों ने हिस्सेदारी अपनी अपनी ले ली है, मैंने यहाँ पर फोटो लगाया हुआ है, उस कंपनी के आप शेयर होल्डर कहलाएंगे जिस भी कंपनी के आप शेयर खरीदेंगे, ठीक है। इसके साथ मतलब समय के साथ शेयर का प्राइस कम या फिर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि शेयर का प्राइस कम हो रहा है तो मुझे मार्केट से निकलना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए कि कुछ टाइम बाद इसका प्राइस और बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी समझ आई होंगी, और लेकिन अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के कितने तरीके हैं, और जब हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।